नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज बात करने वाले हैं कपिल गुर्जर के बारे में। आप जानते हैं कि कपिल गुर्जर कौन हैं, कौन से शख्स हैं और इनको जो है फंसाया गया था आम आदमी पार्टी का समर्थक बताने के लिए। तो मैं आपको बताता हूं एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इन्होंने शाहीन बाग में गोली चलाई थी जिसके आरोपी थे वो, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आज दिल्ली अदालत ने इन्हें जमानत दे दी है। और इसके बाद इनका जो स्वागत जिस तरह से किया गया है, ये सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जब सुबोध कुमार के जितने भी आरोपी थे और उनको जब जमानत मिली थी तो उनका भी जो स्वागत हुआ था, तो इन चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहा है। वो किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप जानते हैं कि ऐसे लोग जो देश के कानून को अपने हाथ में लेते हैं और अपने हाथ में लेने के बाद ये अपना मनमाना करते हैं, तो ऐसे में सवाल आता है। और फिर उसके बाद जब इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है और जब इन्हें जमानत मिलता है, तो इनका स्वागत एक ऐसे तरह से किया जाता है कि जैसे इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया हो। तो अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों के पीछे कौन लोग होते हैं, ऐसे लोगों को मानने वाले कौन होते हैं जो किसी का जान लेने के लिए जो है उतावले होते हैं। अगर शाहीन बाग में, आप जानते हैं कि शाहीन बाग में बहुत सारे ऐसे औरतें हैं, वहाँ की दादी हैं, जो CAA के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है और उस बीच में इन्होंने जाके गोली चलाई थी। अगर किसी को लग जाता तो आप जानते हैं किसी की जान जा भी सकती थी। और आप जानते हैं कि CAA को लेकर कई लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। तो मेरा सवाल यही है और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब ज़रूर दें कि ऐसे लोगों को लोग आखिर क्यों इतना स्वागत करते हैं, ढोल बजाते हैं, ऐसे आरोपी का समर्थन करते हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको भी समझना होगा, सोचना होगा कि हमारे देश में कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के आगे, कानून के आगे कोई लोग नहीं होते हैं। जो कानून के रखवाले हैं वो भी कभी कभी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो आखिर इन लोगों के पीछे कौन है और इन लोगों पे कार्रवाई आखिर कौन करेगा, क्योंकि दिल्ली में जो हिंसा हुई है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, JNU, सब में दिल्ली पुलिस पे भी आरोप लगते रहे और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी फंसी है, क्योंकि कहीं पे CCTV कैमरा भी तोड़ते रहे हैं वो लोग। तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि ये कपिल गुर्जर, सुबोध कुमार जैसे इन लोग, सुबोध कुमार के जो आरोपी हैं, कपिल गुर्जर जो है, आप जान रहे हैं कि इन तमाम लोगों पे के पर जिस तरह का स्वागत किया जाता है, इन जैसे इनका जमानत होता है और उसके बाद सब सवाल नहीं पूछा जाता, मीडिया वाले सवाल नहीं पूछते, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं चाहता हूं कि जो आप हैं इनको समझें, बूझें और ख़ास करके सीखने की कोशिश करें कि जितने भी आरोपी हैं, ये आरोपी निकलते हैं, इनको स्वागत करने के लिए लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने न्याय के लिए दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। वही नेता बाद में ठुकरा देता है, जो नेता चुनाव के टाइम में आपके दरवाजे पर घुटने टेकता है, तरह तरह के उम्मीदें जगाता है और आपको विश्वास दिलाता है कि वो आपको धोखा नहीं देगा, आपकी हर समस्याओं को दूर करेगा, लेकिन उसके बाद वही नेता आपको धोखा देते हैं और ऐसे आरोपियों को जो है वो स्वागत करते हैं धूमधाम से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें SPN 9 News। नमस्कार।